हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम मार्केट जैसी नमकीन मूंग दाल रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी से लगेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, तो ये 1 कप जितनी दाल है। तो आपको ये दाल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो याद रखिए हमें यहाँ पर बिना छिलकों वाली ही दाल लेनी है। तो अभी हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिसके अंदर की हम ये दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद में अभी हम इसको एक बार धो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर 3 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी डालने के बाद में हम इसको किसी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर का जो ये गंदा पानी है उसे हम लोग फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी दाल को अच्छी तरह से साफ कर ले लिया है। तो अभी हमें दाल को भिगोना है, इसलिए हम 1 कप के लिए 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। इसी के साथ में हमें इसके अंदर ऐड करना है मीठा सोडा, तो वो मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना। सोडा डालने के बाद में अभी हम सोडे को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अभी हम इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो अभी 6 घंटे हो चुके हैं, और अभी हम इसका ढक्कन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो दाल अपनी साइज से डबल हो चुकी है, हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। आप इस दाल को रात को भी भिगो कर रख सकते हो, उससे भी आपकी दाल बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दाल के अंदर का जो सारा पानी है उसे निकाल कर ले लिया है, पर अभी हमें इस दाल को 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो कर लेना है, ताकि हमारी दाल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी सी बने। अगर हम इसको नहीं धोएंगे तो इसके अंदर हल्की सी सोडे की टेस्ट आएगी। और अभी हम इसको छान कर लेंगे। तो हमें इसी तरह से दाल को 4 से 5 बार धो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी दाल को अच्छी तरह से धो कर ले लिया है, और अभी हम इस दाल को ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर की हम इस दाल को डाल देंगे, ताकि जो हमारी दाल है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो हमें इस दाल को पंखे के नीचे रखना है 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी 1 घंटा हो चुका है, और जो हमारी दाल है वो भी हल्की सी सूख चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो, जब मैं इसको हाथ में उठा रही हूँ तो ये मेरे हाथ को बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। हमें बस इतना ही सुखाना है, हमें ज़्यादा भी नहीं सुखाना, वरना जो आपकी दाल है वो हार्ड बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी दाल को एक कटोरी के अंदर निकाल कर ले लिया है। तो चलिए अभी हम इस दाल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रखा है गर्म होने के लिए, तो गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम पे ही रखा है, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी हमारा तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। जब हम इसके अंदर दाल डाल रहे हैं तो ऊपर तैर कर आ रही है, इसका मतलब हमारे ऑयल का टेम्परेचर ठीक है। तो अभी हम ऑयल के अंदर एक ऐसी एक छन्नी डाल देंगे, जो कि डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप यहाँ पर किसी भी झूर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें अभी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितनी मूंग की दाल डालनी है, जो कि हमने भिगो कर रखी थी। और फ्रेंड्स, दाल डालने के साथ में ही आप लोग देख सकते हो जो सारी दाल है वो एक एक करके ऊपर तैरने लगी है। तो जैसे जैसे दाल तैर कर ऊपर आएगी, इसका मतलब वो फ्राई होने लगी है। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो पर ही रखा है, और अभी हम इसको लो फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसको 1 से 2 बार ऐसे उठाना है, और फिर से ऑयल के अंदर डीप करना है। ऐसा करने से हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। फ्रेंड्स, नमकीन मूंग दाल बनाते वक्त बस एक ही चीज़ को याद रखिए, कि अगर आप दाल को ज़्यादा फ्राई करोगे तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी, और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें मूंग की दाल को बस 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई कर लेना है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा खाकर देख सकते हो, या फिर हाथ से तोड़कर भी देख सकते हो। अगर दाल फ्राई हो जाए तो वो एकदम से क्रिस्पी लगती है जब हम उसको चबाते हैं, और वो इजीली हाथ से टूट भी जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी ये दाल फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसी तरह से जो बाकी की दाल है उसे भी फ्राई कर लेंगे। दाल को फ्राई करते वक्त बस जल्दबाजी मत कीजिए, जितनी अच्छी तरह से आप इसको फ्राई करोगे उतनी ही अच्छी ये दाल टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसी तरह से जो बाकी की सारी दाल है उन्हें फ्राई कर ले लिया है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक प्लेट ली है, जिसके ऊपर की हम एक ऐसा स्टैंड रखेंगे, और फिर से एक जाली के अंदर दाल डाल देंगे, ताकि उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा नीचे आ जाए। तो फ्रेंड्स,
अभी इसको मैंने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर से निकल जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे एक प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर रखा है जिसके ऊपर की हम ये दाल डाल देंगे। दाल के अंदर जितना भी ऑयल है वो सारा टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप लोग देख सकते हो टिश्यू के ऊपर बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है। आप चाहो तो इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर उसके अंदर का ऑयल भी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारी दाल है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं है। तो अभी हम दाल को ठंडा होने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी दाल पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो अभी हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल कर लेंगे। तो मैंने अभी दाल को बाउल के अंदर निकाल कर ले लिया है और अभी हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम नमक इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहो तो आपके टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हो। नमक डालने के बाद में अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक है वो सारी दाल के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी और क्रिस्पी सी हल्दीराम जैसी मूंग दाल बनकर रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो बाजू में बेल आइकॉन आता है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।